चंपावत जनपद के टनकपुर में तीन शावकों के साथ आबादी क्षेत्र के पास घूमती हुई बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघिन अपने तीन शावकों के साथ रात के अंधेरे में आबादी क्षेत्र के पास घूमती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला टनकपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले गडीगोट गांव का है। वहीं इस मामले में स्थानीय वन क्षेत्र अधिकारी महेंद्र बिष्ट के अनुसार वन विभाग की गश्ती टीमों ने अभी तक ऐसी कोई बाघिन क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखी है, लेकिन वीडियो को देखते हुए एहतियात के तौर पर उक्त गांव के आसपास रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है, जिससे कि भविष्य में होने वाले किसी भी मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सके। वहीं वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर बाघिन की लोकेशन ट्रेस न होने के चलते उक्त वीडियो उच्च अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी गई है। हमारी टीम गश्त करती है, हमारी टीम उसको अभी तक तो ऐसी कोई मतलब बाघिन तीन सावों को साथ घूमते हुए नहीं मिली। और वैसे एहतियात के तौर पर मैंने वहाँ पर रात्रि गश्त बढ़ा दी है गेंडा खाली में उसमें, और उसकी बराबर हमारे द्वारा गश्त की जा रही है और इसकी वीडियो की जाँच करी जाएगी। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी ये वीडियो भेजा है, वो जाँच करके बताएंगे ये कहाँ का है, क्योंकि गोपाल सिंह से पता किया है तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं बनाई गई, ये कार वाले कोई बना रहे थे। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए टनकपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।